हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़, मेरे सामने खड़ी हुई है द लेजेंडरी पल्सर 220F BS4 मॉडल की है, बट इसके कलर ग्राफिक्स जो है BS6 मॉडल वाले हैं। और गाइज, बाइक देखो, इसमें करी गई है छोटी मोटी मॉडिफिकेशन, जिससे बाइक लग रही है और भी ज़्यादा सेक्सी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या क्या किया गया है, चलो मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, बाइक में डाला गया है बबल वाइजर, जो कि एक अलग ही विंड स्क्रीन का एक अलग ही मज़ा देता है बाइक्स में, और हैवी लुक भी देती है काफ़ी ज़्यादा बाइक आगे से। नहीं तो जो इसमें स्ट्रोक में आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और अंदर से ना स्पीडोमीटर की तरफ से बाइक अमेजिंग दिखाई पड़ती है गाइज। और इसमें साथ ही साथ इंस्टॉल किए गए ये लीवर गार्ड्स। तो गाइज देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई लीवर गार्ड्स। ये भी ऑनलाइन परचेज किए गए अमेजोन फ्लिपकार्ट से। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका सब ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना। अगर कहोगे तो मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो बाइक के थोड़ा पीछे चलते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इंस्टॉल्ड हुई है गाइज, वो है इसकी टेल टाइडी। तो एक बार देखो गाइज, क्या प्यारी लग रही है टेल टाइडी भाई, अलग ही मज़ा है भाई टेल टाइडी का। बहुत सेक्सी लुक दे रही है भाई टेल टाइडी, और ज़्यादा महंगी कॉस्टिंग भी नहीं है, 100-150 के आसपास की, 100-150 की टेल टाइडी है, 100-150 लगाने वाला लेता है, और बहुत बढ़िया फिनिशिंग देती है बाइक में भाई, अलग ही लुक आती है। बट ये टेल टाइडी देखो टूरिंग वगैरह पे कामयाब नहीं है, नहीं क्योंकि जब बाइक पानी में से गुजरती है ना, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ पानी उड़ाती है बाइक। ये देखो कितनी गंदी हो रखी है। तो इसका बस एक ड्रॉप पॉइंट यही है माइनस कि आप ना ये गंदे हो जाओगे, आपका बैग हेलमेट सब सड़ जाएगा, सर तक गंदे हो जाओगे अगर पानी वानी में घुसा दिया आपने। नॉर्मली चलाओगे, नॉर्मल रोड पर चलाओगे तो बहुत बढ़िया, बट बारिश वेदर में, रेनी वेदर में ये कामयाब नहीं है, उसमें आपके तोते उड़ा देगी। और आपको कहीं टूर पे जाना है तो इसे वापस स्टॉक करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें परेशान हो ही जाओगे आप। इतनी आपकी बाइक नहीं गंदी होगी जितने आप गंदे लोगों के बाइक पे बैठे हो। जब ये गंदी होएगी तो बाइक गंदी होएगी तो बाइक है ना बहुत सेक्सी लुक देती है। बट लुक की बात करें तो भाई ऑल ओवर अगर आप इसमें एक बबल वाइजर और पीछे टेल टाइडी डाल देते हो ना, तो आगे से हैवी पीछे से एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह पूरी अलग ही बाइक फिनिशिंग देती है। और बाइक वैसे ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अराउंड 8-9 हज़ार किलोमीटर ही आज तक चली है। और इसमें इंस्टॉल करे गए हैं कस्टम इंडिकेटर्स, यहाँ पे भी देखो गाइज, यहाँ पे भी देखो, ये जो इंडिकेटर्स है गाइज, ये है KTM वाले इंडिकेटर, नॉट ओरिजिनल, इट्स अ कॉपी इंडिकेटर, बट फिनिशिंग जो है ओरिजिनल वाली आती है। ब्राइटनेस भी है, ओरिजिनल से थोड़ी कमी आएगी, ओरिजिनल वाली आपको मिल ही नहीं सकती ब्राइटनेस। ऑल ओवर बहुत प्यारी लग रही है बाइक्स में, ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन, ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं करी गई, बट लिमिटेड मॉडिफिकेशन की गई है, जिसमें बाइक अमेजिंग सा व्यू दे रही है, अमेजिंग ही लग रही है। बल्कि इसमें जितनी मॉडिफिकेशन करी गई है, इनकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो इंडिकेटर्स का खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इसमें फ्लैशर वगैरह इंस्टॉल्ड होता है, बाकी सब तो 250-300 के पार्ट्स है, तो सारी मिला लो 2000 से ऊपर की कॉस्टिंग भी नहीं पड़ी। ऑल ओवर बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है सिर्फ इतनी सी कॉस्टिंग के अंदर ही। तो बाइक का ना थोड़ा सा करते हैं अब राइड, और फिर देखते हैं बाइक कैसी लग रही है। आप इस बाइक पर राइड रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हो तो इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ बाइकर बॉक्स।